नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर के खास। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगर में, सड़क के बीचों बीच की मैं तस्वीर दिखाऊंगा। एक नरेंद्र मोदी का भक्त है जो कि बाल कटवाए, इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रण आपने लिया था? मैंने जी सन 2020 में ये प्रण लिया था कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो ही मैं बाल कटवाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कटवाऊंगा, कभी नहीं कटवाऊंगा। तो कितने टाइम से सर ये बाल बढ़ा रहे थे? और आप? मैं 4 साल से बढ़वा रहा था ये। अच्छा, वजह क्या है, क्यों आपने तबड़ापन दिया, क्या मोदी के में अच्छा? प्रधानमंत्री मेरे को अच्छे लगे और वैसे भी पुराने प्रधानमंत्री पुराने हम बीजेपी के हैं और हमें बीजेपी सरकार अच्छी लगी, प्रधानमंत्री अच्छे लगे, उनके कार्य अच्छे लगे, बस इसलिए। तो मन में सर बाल बढ़ाने का कैसे विचार आया कि बाल बढ़वाएं और जब शपथ लेंगे तब कटवाएंगे? बस मैं कोई करोड़पति तो हूं नहीं, भी कोई भंडारे लगा दूं या कुछ और कोई दान कर दूं, मेरे पास बस यही दिखा, मेरे पास ये है तो मैं यही प्रण ले लिया मैंने। नाम क्या है सर, क्या काम क्या करते हैं? नाम मेरी करियाने की दुकान है रामनगरिया में, कोची करियाना स्टोर के नाम से, और नाम मेरा मुरली उर्फ अरुण कुमार है। तो और अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है? लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और आ चुके हैं और अब सारा काम होगा, ठीक है। कोई ये प्रधानमंत्री है और ये सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री है देश के। अच्छा, लोगों में कैसी चर्चा होती थी जब आप बताते थे कि आपने शपथ ली है, इतने लंबे बाल करेंगे, जब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री तब बाल कटवाएंगे, लोगों में कैसी चर्चा होती है, रिस्पांस कैसा मिलता था? बस वो तो ऐसे है, अभी दुनिया तो कोई भी काम चाहिए, अपना काम कर लो, चाहे घर अपना घर बना लो, चाहे किसी की शादी हो, दुनिया तो एक बार तो मजाक बनानी होती है। बस वो एक बार स्टार्टिंग में तो सबको मजाक लग रहा था कि कौन सा 4 साल रखने, सौखे थोड़ी है, ये है वो है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इतना बड़ा प्रण था और आज बाल कट रहे हैं? कहने को तो क्या है जी, जो बंदा मन में धारता है वही पूरा किया इन्होंने, अपना वादा जो इन्होंने अपने मन में सोच रखा था वो उसको पूरा किया। हाँ, ये बंदे की जुबान ही होती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रण लिया, बहुत ही अच्छा प्रण लिया है, इसकी परमात्मा ने सुनी है, ना ही से बाल कटवाए हैं। मोदी सरकार बहुत ही देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री हैं और आगे यही रहेंगे और बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बाल काट रहे इतने लंबे लंबे बाल? बहुत खुशी है। पहले की भी कोई ऐसा बाल काटने का मौका मिला सर, इतना बड़ा प्रण हो और बाल काटने का मौका मिला हो? ना, पहली बार। अच्छा, कितने बड़े बाल हैं आप जो काट रहे हैं? बहुत बड़े हैं। दो कितने, आप बताना? ये दो गिट के बाल हैं भाई साहब, जो है इनके दो गिट के, दो गिट के, ढाई तीन फुट। 5 साल हो गए प्रण लिए हुए, इस बार मोदी सरकार बन रही है, 5 साल ये प्रण लिए इन्होंने, गर्मी हो चाहे कुछ मर्जी हो, इन्होंने बाल बाल रखे हुए हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इन्होंने बाल रखे हुए हैं। आप बाल से देख सकते हो, मोदी सरकार 300 पार, अब की बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार होगी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस जी, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क के बीचों बीच बाल कटवाए जा रहे हैं और पन दिया गया था कि जब मोदी शपथ लेंगे तो बाल कटवाए जाएंगे। तो बड़ी शुक्रिया दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।